उद्धव जी की सरकार है, और कांग्रेस सरकार कभी मुसलमानों का आज तक उन्होंने भला नहीं किया, 70 साल में नहीं किया, जो 60 साल राज करे तो आप अब क्या करेंगे? 70 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है? मैं उनसे जवाब खुद पूछना चाहता हूँ। मुसलमान को आज अब्दुल पंचर वाला कहने वाला किसने बनाया है? मुसलमानों ने उनका साथ दिया, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने क्या विकास किया है ये मुझे खुद बता। 95% मुस्लिम वोट करता है कांग्रेस को, लेकिन कौन से मुद्दे पर ये मुसलमान साथ आए? मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि आप इनके असली चेहरे को पहचानिए, राहुल गांधी के, अखिलेश यादव के, इनके असली चेहरे को आप पहचानिए। और हमें अब्दुल बनाने में जो काम किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, इसमें सच्चाई है। लेकिन आपस में फूट है, जब आपस में फूट नहीं है, आपस में फूट है तो ये जनता कैसे साथ में लेके चलेंगे, कैसे जनता इनके ऊपर भरोसा करे? मेरा नाम मासूक सिद्दीकी है। अब ये देखिए सर, महाविकास आघाड़ी में तो अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी से फूट दिख रही है, एक दूसरे के खिलाफ टिकट बंटवारे किए जा रहे हैं, उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी ये उनका मसला है, पार्टी के क्या मसला है उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। उनमें आपस में नहीं जम रहे तो कल सरकार कैसे चलाएंगे? वही बात हम कह रहे हैं, यहाँ इसी बात की शंका है कि कल वो सरकार कैसे चलाएंगे। जब उनमें बंटवारे को लेकर है तो कल सरकार में भी बहुत ये रहेगा, तो कैसे सरकार 5 साल चला सकते हैं? लोकसभा में देखा होगा आपने, ये सारे मिलके मोदी जी के खिलाफ हो गए थे, अब ये आपसी में एक दूसरे के खिलाफ टिकट उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। हाँ वैसे ही है, तो ये मतलब ज्यादा दिन ये लोग चल नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपस में फूट है, जब आपस में फूट नहीं है, आपस में फूट है तो ये जनता कैसे साथ में लेके चलेंगे, कैसे जनता इनके ऊपर भरोसा करे? हम उनमें भरोसा नहीं कर सकते ना जनता, तो क्या करें? आपस में पहले जो उनके आपस में सुधार लाए वो कि सीट बंटवारे को लेके, पर ये उनका मसला है, उस पर हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। मैम इतना मिलाप क्यों नहीं है? जहाँ महायुति देखेंगे आप, हर कोई अच्छा है, वहाँ पर खुशी से टिकट बंटवारे हुए हैं, किसी ने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर संजय राउत नाना पटोले के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ पर राहुल गांधी ये लड़ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इतनी ज़्यादा सीटें क्यों दे दी। अब आपस में खींचतान है उनमें, इसके लिए ऐसा हो रहा है, ये अब इसके लिए क्या कहेंगे? उनमें आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो सरकार को कैसे चलाएंगे? इसलिए जो महाविकास आघाड़ी है ना, ये कहीं ना कहीं आगे चल रही है। अच्छा। जमीनी स्तर से महायुति कैसा काम कर रही है? महायुति तो काम कर रही है ना, आज लोगों के लिए काम किया अच्छा खासा, कि महिलाओं को उससे बहुत लाभ मिला हुआ है। मैंने खुद करीब 60-70 लोगों को मैंने भरा, जिनके महीने में 7,500 रुपया है, पहली बार 4,500 है, दूसरी बार 3,000 है, तो काफ़ी लोग खुश थे ना, तो उन्होंने काम किया है नहीं किया, लेकिन ऐसा उन्होंने काम कर दिया है कि वो राहुल गांधी लोकसभा में तो ऐलान कर रहे थे कि खटाखट 8,500 रुपये आएंगे, लेकिन बीजेपी ने दे दिया आपको। वो सब एक जुमला था उनका, राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी क्या करेंगे, राहुल गांधी जी आज तक ना कुछ किए ना कुछ करेंगे, समझे, कुछ नहीं कर सकते, वो खाली दिखावा है उनका, करना होता तो अभी विपक्ष में थे कुछ भी करते, लेकिन वो कभी नहीं कर सकते हैं। भाईजान हमारे साथ है, मुस्लिम भाई 70 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है? मैं उनसे जवाब खुद पूछना चाहता हूँ। मुसलमान को आज अब्दुल पंचर वाला कहने वाला किसने बनाया है? मुसलमानों ने उनका साथ दिया, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने क्या विकास किया है ये मुझे खुद बताए। हम भाईचारा निभाते हैं, सेकुलरिज्म भाई नहीं, सिर्फ चारा के लिए इस्तेमाल करते हो, भाई तो अलग है, सिर्फ चारा, मुसलमान उनके लिए सिर्फ चारा है। 95% मुस्लिम उनको वोट देता है, लेकिन मुसलमानों के लिए एक भी काम किया तो मुझे बताओ? वो खुद लड़ते हैं जहाँ पर, जहाँ से 70-80% मुस्लिम आबादी होती है वहाँ चुनाव लड़ते हैं। मैं उसे कहना चाहता हूँ, मैं मासूक सिद्दीकी हूँ, वो ऐसी कोई विधानसभा या लोकसभा चुने जहाँ पर 70-80% हिंदू वोटर हों, वहाँ से मुझे जिताएं, तब मैं जानूँ कि यह भाईचारा है। नहीं मैं नहीं जानता हूँ। आज आपको मालूम है बहराइच में क्या हाल हुआ है? 37 सांसद समाजवादी पार्टी के, 6 सांसद किसके, राहुल गांधी के, 43 सांसद, एक भी सांसद पूछने गए हों उनके हाल के, क्या आप लोगों के घर कैसे जले, आपके घर में क्या है, आपके कैसे आपके ऊपर हुआ, पूछने गए, बताओ मुझे। और समय पे तो आते हैं आपके घर। सर सुनिए सुनिए सुनिए, आज यहाँ पर मालेगांव में, नासिक में अखिलेश यादव जी आए थे, अबू वासिम आजमी जी आए थे, कह रहे थे कि हमें 8 सांसद एमएलए दे दीजिए, फिर देखते हैं मुसलमानों पर कौन। सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा अभी तक आपने मुझे 2 विधायक दिए हैं, आप 8 विधायक दे दीजिए तो देखते हैं मुसलमानों के ऊपर कौन उंगली उठा सकता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास 125 एमएलए हैं आमदार यूपी में, 37 सांसद प्लस राहुल जी के 6 सांसद, 43 सांसद हैं, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर क्या हुआ है, उस पर उन्होंने कुछ किया क्या? गए भी नहीं, गए नहीं। हाँ।
तो आपको कैसे उम्मीद रखें। मैं समझता हूँ इससे अच्छा है मुस्लिम कहीं भी नहीं, अपना सबको सपोर्ट करें, सबके साथ वो खड़े रहें जैसे मैं खड़ा हूँ। तो इसीलिए क्योंकि 95% मुस्लिम वोट करता है कांग्रेस को, लेकिन कौन से मुद्दे पर मुसलमान साथ आए। आज भारत में जहाँ जहाँ लिंचिंग हुई है, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अभी जब एक इनकाउंटर हुआ उनका क्या नाम था, मनोज यादव क्या नाम था, तो उनका जब इनकाउंटर हुआ तो उनके घर तलक गए, उनको नौकरी की डिमांड की है। यादव जी के घर चले जाएंगे लेकिन मियां भाई के घर नहीं। मुसलमान के किस के घर पे गए हों, अखलाक के घर पे गए हों, या राजस्थान में जो उनका क्या नाम नासिर जुनेद उनके घर पे गए तो मुझे बता दे। मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि आप इनके असली चेहरे को पहचानिए, राहुल गांधी के अखिलेश यादव के, इनके असली चेहरे को आप पहचानिए। ये लोग मुसलमानों के सगे नहीं हैं, सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ भाई नहीं, ये सिर्फ चारा के लिए हमें रखे हुए हैं, बाकी हमें ये विकास के लिए इनका कोई काम नहीं है। आप देखते होंगे ओवैसी भाईजान तो बोलते रहते हैं, ओवैसी भाईजान से उनको फ़ायदा मिलता है बस, बाकी कुछ नहीं है। ओवैसी भाईजान भी खाली बोल के रह जाते हैं पर इस पर अमल नहीं करते हैं। आज जिस तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मायावती सब जगह चुनाव लड़ती है ना, उनके जितने भी कैंडिडेट सब आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये कितने चुनाव लड़े, सिर्फ मतलब कांग्रेस के लिए फ़ायदा करके चले जाते हैं, समझे। भाईजान ये बताइए, महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया, 20 नवंबर को वोट डालना है, तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं 14-15% आपके महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे। मैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग एक बार फिर से शिंदे जी की सरकार बनवाइए, क्योंकि उद्धव जी की सरकार है और कांग्रेस सरकार कभी मुसलमानों का आज तक उन्होंने भला नहीं किया, 70 साल में नहीं किया, जो 60 साल राज करे तो आप अब क्या करेंगे। आज मोदी जी आए तो मतलब कुछ तो उन्होंने बोला है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, हमें शिक्षा के लिए अग्रसर किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमें वहीं तक सीमित रखा, मदरसे तक, मदरसे से कभी उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। आज कम से कम हम इंजीनियर डॉक्टर ये सोच तो कोई लाने वाला हमारे लिए आया, तो मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ मोदी जी को, उन्होंने ये सोच तो डाला कम से कम आज हमारे लोग, आज कम से कम उनके आने से 10 साल से हमारे कम से कम 52 IAS बने हैं हमारे कौम के, तो ये देन है मोदी जी की है, क्योंकि उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को अग्रसित किया, आगे किया, और हमें अब्दुल बनाने में जो काम किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, इसमें सच्चाई है। क्योंकि नफरत की बुनियाद देखा जाए तो कांग्रेस परिवार ने रखी है, आज़ादी के बाद हमें उन्होंने यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने ये सारा खेल खेला है, बाकी तो बीजेपी को इल्ज़ाम लगाते हैं, बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया है, बीजेपी ने हमेशा सर्वधर्म संभाव की भावना रखी है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस पे उन्होंने काम किया है। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में कई जो मौलवी हैं वो अब फतवे जारी कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। वो फतवे जारी करना उनका काम है, वो क्या बोलते हैं उसमें मैं नहीं कोई कमेंट करूंगा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा लोगों को, क्योंकि ये राजनीति अलग है और धर्म चीज़ अलग है, धर्म को इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं, अरे राजनीति है तो इसमें हम उसी की बात करेंगे। जैसे आप मोहल्ले में रहते होंगे, कई मुस्लिम महिलाओं से भी मिलते होंगे, पुरुषों से भी मिलते होंगे, उनको क्या फ़ायदा हुआ पिछले 5 साल और 10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है महाराष्ट्र में। अरे उनको क्यों नहीं फ़ायदा हुआ, आज मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में शिक्षक क्षेत्र में हम आगे आ रहे हैं, हमें सब जगह मतलब सम्मान है। आज देखिए ना, अगर लाडली बहना आई है, कोई योजना आई है तो सबके लिए आई है ना। आज मैं खुद लोगों का फॉर्म भरता हूँ, सारे चीज़ आयुष्मान कार्ड है, करीब 400 लोगों को 500 लोगों को मैंने खुद आयुष्मान कार्ड बना के दिया, नहीं है तो कभी आप आइए मेरे यहाँ, मैं पूछाऊँ लोगों को सामने सामने करके दिखाऊँ मैं कि मैंने हो रहा फ़ायदा, हो रहा है फ़ायदा, क्यों नहीं हो रहा फ़ायदा। सिर्फ मैं तो यही कह रहा हूँ, कांग्रेस ने सिर्फ और समाजवादी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, उनको आगे कभी नहीं बढ़ाया है। महाराष्ट्र के हमारे भाईजान हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप। महाराष्ट्र के भाईजान से मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग भी आइए, जुड़िए, कोई अगर नफरत फैलाता है तो नफरत को दरकिनार करिए, नफरत राजनीति के लिए है लेकिन विकास सबके लिए है।